इस वीडियो में देखेंगे किसी भी स्मार्टफोन में टीमा एवियन ऐप किस टाइप से डाउनलोड किया जाता है। तो इसके लिए मैं एंड्रॉयड कार स्टूडियो में फॉलोइंग ऐप को ओपन किया हूँ, देन एंड्रॉयड वाईफाई पे ओके किया हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो स्कैन क्यूआर कोड फॉर टीमा ऐप, देन मैं गूगल क्रोम ओपन कर रहा हूँ स्मार्टफोन में, देन सर्च करना है क्यूआर कोड स्कैनर, क्योंकि यहाँ पर क्यूआर कोड स्कैन करना है। देन यहाँ पर क्यूआर कोड स्कैनर पे ओके किया क्रोम में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कैमरा ओपन हो चुकी है स्कैन करने के लिए। तो यहाँ पर स्कैन किया, एक लिंक आई है, देन ओपन पर ओके करना है। तो इस लिंक के थ्रू टीमा एवियन डॉट एपीके डाउनलोड होगी। तो यहाँ पर डाउनलोड के लिए बटन आ चुका है, तो डाउनलोड पे ओके करना है। तो ये फाइल डाउनलोड हो रही है, देन डिटेल पे ओके किया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 2666 डॉट एपीके फाइल डाउनलोड हो रही है, जो टीमा एवियन ऐप है। यहाँ पर एपीके डाउनलोड हो चुकी है, तो उस पर ओके करना है, देन इंस्टॉल। यहाँ पर टीमा अभी हम इंस्टॉलिंग हो रही है। तो ये इंस्टॉल हो चुकी है, आप डन भी कर सकते हो। यदि आपको मिरर लिंक करना है तो ओपन पर ओके करना होगा। तो मैं ओपन पर ओके किया हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो स्टार्ट नाउ, यहाँ से मिरर लिंक स्टार्ट हो जाएगी ओके करने पर।